आज हम ट्रैक्शन बैटरी के बारे में जानेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, व्हाट इज द मीन बाय ट्रैक्शन बैटरी, ये हमने पिछली क्लास में देखा था। उसके बाद ये हमने ट्रैक्शन बैटरी को समझा था इसके फिगर के साथ। इसके बाद कितने वोल्टेज हमें चाहिए होते हैं एक हाइब्रिड व्हीकल के लिए, उसको ड्राइव देने के लिए, वो हमने यहाँ जाना था। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ ईवी बैटरीज की बात की थी, जिसमें ये चारों बैटरीज थी। फिर इनका हमने एनालिसिस किया था। ये हमने साइकिल लाइफ देखी थी इनकी, कितनी रहती है लाइफ साइकिल, तो जिसमें कि हमें पता चला था लिथियम बैटर है। उसके बाद हमने एवरेज सेल्फ डिस्चार्ज रेट देखा था, जिसमें ये लेड एसिड बैटर है, बट आप लिथियम भी ले सकते हैं क्योंकि 1% का ही इनमें डिफरेंस है। नेक्स्ट हमने स्पेसिफिक एनर्जी के बारे में जाना था, इसमें भी हमने देखा था लिथियम आयन बैटर है। नेक्स्ट हमने एवरेज सेल्फ डिस्चार्ज रेट पर मंथ का जाना था रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो इसमें लेड एसिड बेस्ट है ना, बट लिथियम भी पास है, केवल 1% का डिफरेंस है इन दोनों में। नेक्स्ट हमने टेम्परेचर रेंज देखी थी, जिसमें कि बेटर टेम्परेचर रेंज निकल मेटल की थी, है ना। तो आज हम इस सारे एनालिसिस से हमें पता चला कि हमारी जो लिथियम आयन बैटरी है वो बेटर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। ठीक, तो आज हम लिथियम आयन बैटरी के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ये एक सेल मैंने टेस्ला का दिखाया है, तो एक सेल को अगर मैं खोलता हूँ तो कुछ उसका शेप ऐसे होता है, इसके बारे में अभी जानेंगे हम। तो द इलेक्ट्रोलाइट इज लिथियम सॉल्ट इन एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसका इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, सॉलिड बेस में होगा, सॉलिड टाइप का होगा, और किसका होगा, लिथियम सॉल्ट इन एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा लेड एसिड की तरह। ठीक, अगर मैं कैथोड की बात करूं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की, इज अ लिथियम मेटल ऑक्साइड कोटेड ऑन एल्यूमिनियम प्लेट। लिथियम मेटल ऑक्साइड होगी, किसके ऊपर कोटेड रहेगी, एल्यूमिनियम प्लेट के ऊपर। ठीक, अब अगर मैं नेगेटिव की बात करूं, एनोड की बात करूं, तो क्या रहेगा, एनोड में ग्रेफाइट कोटेड ऑन कॉपर प्लेट, है ना, ग्रेफाइट कोटेड रहेगा कॉपर प्लेट पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब इसे इसके बारे में समझते हैं। सेपरेट आउट लिथियम एटम्स, अगर मैं लिथियम एटम की बात करूं तो इसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और क्या होता है, ये अनस्टेबल फॉर्म में होता है। लिथियम क्या है, अनस्टेबल फॉर्म में। इसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को देने की, है ना। तो हम इसे कुछ मेटल ऑक्साइड के साथ मिला के स्टेबल करने की कोशिश करते हैं ना, थोड़ा सा इसे स्टेबल कर लेते हैं, अदरवाइज ये इंडिविजुअल अनस्टेबल है। ठीक, तो जैसा कि हमने उसमें बैटरी के केस में देखा था, लेड एसिड सेल के केस में देखा था, ये मेरा नेगेटिव पॉजिटिव था, तो इस नेगेटिव पॉजिटिव में मैं एक आउटर सोर्स लगा रहा था, है ना, यहाँ एक बल्ब लगा रहा था, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे थे और ये बल्ब ग्लो कर रहा था। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से फ्लो हो रहे थे, एक एक्सटर्नल आउटर सर्किट से। ठीक, नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे थे एक आउटर सर्किट से, और करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा था, जैसा कि आपको पता है। ऐसे ही इसमें मैंने क्या किया हुआ है कि ये जो आयन है ये इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू पास होंगे, जबकि ये जो आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एक आउटर सर्किट के थ्रू पास होगा। उस आउटर सर्किट में मैं लोड लगा दूंगा, है ना, तो मेरा जो लोड होगा वो वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा, उसमें धारा प्रवाह होने लगेगी। वो कोई बल्ब हो सकता है, कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो सकता है, जो भी है, गाइड द इलेक्ट्रॉन थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। ये बता रहा है कि एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू हम इलेक्ट्रॉन्स को गाइड करेंगे, ये आप जैसे देख रहे हैं। ठीक, ये जो आयन है ये इलेक्ट्रोलाइट से पास हो रहा है, कैसे होता है चलिए देखते हैं। ये आयन जो है मेटल ऑक्साइड के हैं, इन्हें हमने क्यों मिलाया इसमें, अगर मैं कहूँ तो इसमें हमने इम्प्योरिटीज मिला रखी हैं मेटल ऑक्साइड की, ताकि ये लिथियम आयन थोड़ा सा स्टेबल हो जाए। ठीक,
चलिए आगे देखते हैं, इसको समझते हैं क्या है ये। अब ये देखिए, मैं चार्जिंग की पहले बात करता हूँ, पहले हम इसकी बात करते हैं। ये देखिए, इसमें ये दर्शाया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो हो रहे हैं, कहाँ से, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू। तो ये आयंस जो आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट से पास होकर इस साइड आ गए, आप देख रहे हैं ये आयन, जबकि ये इलेक्ट्रॉन्स है इस, ऐसे मैंने ये जो शो किया ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू पास नहीं हो सकते, ठीक। चलिए आगे देखते हैं कैसे वर्क होता है। अब अगर मैं ये चार्जिंग सिस्टम ले लूं, मैं पहले देख रहा हूँ इस बैटरी को, मैं चार्ज कर रहा हूँ। तो चार्जिंग फॉर्म में क्या है, जब ये डिस्चार्ज थी तो लिथियम आयन, ये आप ग्रीन वाले जो देख रहे हैं, मेटल ऑक्साइड के साथ इस साइड में थे, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड में। ये सारे ग्रीन जो है लिथियम आयन है, ठीक। और ये जो है इलेक्ट्रॉन्स है, जब आप इन्हें चार्ज करेंगे तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इस आउटर सर्किट से जाके इस साइड आना शुरू हो जाएंगे। ये क्या है, ग्रेफाइट है ना, इस ग्रेफाइट पे आके चिपकना शुरू हो जाएंगे, जैसा कि ये आप देख रहे हो इस दूसरे फिगर में, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होके इस साइड आ रहे हैं, ठीक। और ये जो लिथियम आयन आप देख रहे हो, ये लिथियम आयन को आउटर सर्किट की जरूरत नहीं है, ये इलेक्ट्रोलाइट में से पास होके इस साइड आ जाएंगे, ठीक। तो ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे थर्ड फिगर में आप देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट ये यहाँ पे आ चुके हैं, है ना। और आप इधर, यहाँ ये लिथियम आयन है। तो अब आप ये फोर्थ फिगर में अगर देखेंगे आप, तो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स इस साइड आ चुके हैं, यानी कि फुल चार्ज हो चुकी है बैटरी। और यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर लिथियम आयन था, ये यहाँ जो लिथियम आयन थे सारे, ये खाली स्पेस में, वो सारे लिथियम आयन कहाँ आ चुके हैं, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू पास होके इस साइड आ चुके हैं। इसका मतलब ये बैटरी फुली चार्ज है, बैटरी फुली चार्ज कंडीशन में आ चुकी है। अगर मैं इसको इस बॉल के थ्रू समझना चाहूँ, तो ये क्या हो गई, टॉप ऑफ द हिल हो गई, ये बॉल पूरी चार्ज हो गई ना, यहाँ पे ये बैटरी पूरी चार्ज हो गई। तो मैंने इसको एनालिसिस कर लिया कि ये बॉल कहाँ है, टॉप पर है, यानी कि बैटरी फुल्ली चार्ज है। इसको मैं अपने दिमाग में रखने के लिए ऐसे एक पिक्चर बना सकता हूँ दिमाग में, यानी कि बॉल क्या है, पूरी हिल पे ऊपर चढ़ चुकी है, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन्स इस साइड आ चुके हैं, सारे लिथियम आयन इस साइड आ चुके हैं, ठीक। तो ये ग्रेफाइट के पास आके चिपक जाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये चार्जिंग पोजीशन हो गई। अब डिस्चार्जिंग देखते हैं, डिस्चार्जिंग में क्या होगा। अब डिस्चार्जिंग जब मैं करूंगा, तो ये मैंने एज यूजुअल, जैसे कि हम भारी कोई लोड लगाते हैं तब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो ये मैंने एक बल्ब लगा दिया। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू यहाँ से मूव होना शुरू हो जाएंगे और इस साइड आना शुरू हो जाएंगे, है ना। और ये जो सेम लिथियम आयन थे, ये इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू इस साइड आना शुरू हो जाएंगे, यानी कि पोजीशन डिस्चार्जिंग की शुरू हो जाएगी, बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी जब हमने किसी लोड से लगाया। कोई बल्ब हो सकता है, कोई इलेक्ट्रिकल लोड हो सकता है, कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो सकता है, जो भी कुछ है आपका, ठीक। अब आप देख रहे हैं ये बॉल यहाँ पे, अभी यानी कि बैटरी फुल्ली चार्ज है। ये आप अपने दिमाग में रख सकते हो इस पिक्चर को, तो आपको याद रहेगा, है ना। अब आप जैसे ही ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, ये आयन्स इधर शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू हो गई। इस कंडीशन में, यानी कि आप देख रहे हो इस साइड कुछ भी नहीं है, इस साइड अब इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, लिथियम आयन नहीं है, ये देखो एक लिथियम आयन अभी भी जा रहा है, तो ये बैटरी क्या है, फुल्ली डिस्चार्ज हो गई। तो यहाँ से ये बॉल नीचे आ गई, ठीक, बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये ग्रेफाइट हम क्यों यूज करते हैं, ग्रेफाइट का केवल ये रोल है, ये इनको होल्ड करके रखता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को और ये लिथियम आयन जो आ रहे हैं वो इस साइड होल्ड करके रखेगा, ठीक। तो अब ये फुल्ली डिस्चार्ज कंडीशन इसने दिखाई है, सारे आयन्स, ये सारे लिथियम आयन्स और इलेक्ट्रॉन्स इस साइड आ चुके हैं, लिथियम आयन थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रॉन्स आउटर एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू इस साइड आ गए, ठीक। अगर इसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं, है ना। टेम्परेचर बढ़ जाएगा यहाँ पे, तो ये आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, जैसा कि लेड एसिड में भी हमने देखा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब प्लेट और सेपरेटर की बात करेंगे हम, ठीक। ये जो आपको दिख रहा है, ये सेपरेटर है, ये सेपरेटर है, ये सेपरेटर भी हमने ऐसे डिजाइन किया है कि इसमें से लिथियम आयन पास हो जाए, है ना। अब देखिए यहाँ आ जाइए, ये मैंने जो प्लेट्स दिखाई हुई हैं, ये नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट पे इसने क्या कर रखा है, कॉपर प्लेट के ऊपर ग्रेफाइट की कोटिंग कर रखी है, ठीक।
और पॉजिटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट की बात करूं तो एल्यूमिनियम प्लेट के ऊपर मेटल ऑक्साइड की कोटिंग कर रखी है, ये सारे मेटल ऑक्साइड है, ठीक। अच्छा, ये मेटल ऑक्साइड क्यों लिए? ताकि लिथियम आयन स्टेबल हो जाए, क्योंकि अनस्टेबल फॉर्म में हम यूज नहीं कर सकते, प्रयोग में नहीं ला सकते, तो इसे हमने स्टेबल करने के लिए मेटल ऑक्साइड लिया हुआ है। अब आप अगर देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे इसको, तो ये नेगेटिव प्लेट कुछ ऐसी दिखेगी, पॉजिटिव प्लेट कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक। अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट भी हमारे पास सॉलिड फेस में है ना, सॉलिड में है, तो हमने ये इलेक्ट्रोलाइट और ये सेपरेटर लगाया और इसको रोल आउट कर दिया, तो ये हमारे पास ये सेल बन जाएगा रोल आउट करने के बाद। ये देखिए, ये सेल मेरे पास कुछ ऐसा दिखाई देगा। अगर मैं, ये मैं टेस्ला की लेके बात कर रहा हूँ, टेस्ला का लेके हम समझ रहे हैं इसको, तो ये एक पर्टिकुलर सेल है ना, इसका डिफरेंट साइज शेप हो सकता है, बट हम अभी टेस्ला का बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद आगे किसी और गाड़ी का बात, गाड़ी की बात करेंगे, उसके सेल देखेंगे, उसको समझेंगे। तो ये 3 से 4.2 वोल्ट तक इसका एक सेल होता है, ठीक। अब हम इन सेल्स को, सारे सेल्स को क्या करते हैं, इन सेलों को क्या करेंगे, एक सीरीज फॉर्म में लगाएंगे। अब इसमें टेम्परेचर बढ़ ना जाए, उसके लिए हमने ये यहाँ पे ये सेगमेंट छोड़ते हैं, ताकि इसमें एयर फ्लो हो जाए और ये टेम्परेचर डाउन रहे, मेंटेन्ड रहे, ठीक। अब देखिए, यहां मैं एक बात कर रहा हूँ, सेल बैलेंसर का काम क्या है, अगर मैं इसे चार्जिंग पे लगा रहा हूँ, तो हो सकता है एक सेल फुल्ली चार्ज हो जाए, दूसरा सेल आधा चार्ज हो, 50%, तो क्या होगा, ये ओवर चार्जिंग हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ अभी ये फुल्ली चार्ज नहीं है, ठीक। तो हम एक डिवाइस सेल बैलेंसर लगाते हैं। सेल बैलेंसर क्या करता है कि सारी बैटरीज को, इन सारे सेल्स को है ना, जो बैटरी फॉर्म में हमने बनाए हैं, इन सबको यूनिफॉर्मली चार्ज और डिस्चार्ज करता है। देखिए, ये सेल यहाँ तक आ गया, फिर ये फर्दर चार्जिंग नहीं ले रहा, अब ये सेल यहाँ पे, जब ये सेल भी यहाँ आ जाएगा, तब ये दोनों सेल साथ में चार्ज हो गए, यानी कि चार्ज भी पूरे सारे सेल साथ में हो रहे हैं और डिस्चार्ज भी साथ में हो रहे हैं, ठीक। चलिए इसकी डाइमेंशंस की बात करते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक निशान, निशान इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आता है, निशान लीफ, उसकी एक बैटरी ली हुई है, तो इसकी डायमेंशन अगर आप देखेंगे 261 mm है ना, और इसके एक सेल की आप डायमेंशंस देखेंगे तो 65 mm है केवल, और सिलेंड्रिकल है, ठीक। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, इसमें टेम्परेचर की प्रॉब्लम आएगी, यहाँ टेम्परेचर डाउन नहीं हो पाएगा, मेंटेन्ड नहीं हो पाएगा, हो सकता है यहाँ पॉसिबिलिटी ज्यादा है टेम्परेचर बढ़ने की, जिससे कि सिस्टम, बैटरी फूल सकती है, बैटरी में डिफेक्ट आ सकता है, डैमेज हो सकती है, तो ये बेटर ऑप्शन है हमारे पास कि हम छोटे सेल बनाएं और सीरीज में लगा दें है ना, और उनके बीच में स्पेस दे दें, ताकि एयर पास हो और टेम्परेचर मेंटेन्ड रहे, तो ये ज्यादा आज की डेट में बेटर ऑप्शन है। टेस्ला मॉडल एस का मैंने ये दिखाया हुआ है, ठीक है, आपको ऐसे सीरीज फॉर्म में लगाना है, जिससे इंडक्शन मोटर ड्राइव लेगी और व्हीकल हमारा चलेगा। ये वाला प्रोग्राम थोड़ा सा फेल हो सकता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब इसकी हम एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करेंगे। तो एडवांटेजेस अगर हम लें, तो हाई एनर्जी डेंसिटी है, जैसा कि हमने एनालिसिस किया था, गुड परफॉर्मेंस एट अ हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो हमने जैसा कि इसके कंस्ट्रक्शन में देखा, तो ये अच्छा परफॉर्मेंस देगा, रिसाइकलेबल है ना, लो लोड इफेक्ट है, इस पे इफेक्ट लोड का कम पड़ेगा, हाई स्पेसिफिक पावर एंड एनर्जी है इसमें, लॉन्ग लाइफ साइकिल है ना, तो ये सारी इसकी एडवांटेजेस हैं, तो इसलिए हम लिथियम आयन बैटरी यूज करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। इसकी अगर डिसएडवांटेजेस की बात करूं, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है अदर बैटरीज के कंपैरिजन में। चलिए, अब हम इनके डाउट्स ले लेते हैं, इन स्लाइडों में अगर आपको कोई भी डाउट है, तो आप पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद